जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भी इसके बेसिस पर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि फायरमैन हो गया, उत्पाद हो गया, तो उसके लिए हम लोग स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं। और यह जो स्टैटिक जीके होगा, हम लोग ये क्यूज के तौर पर देखेंगे। इसमें 20 से 25 प्रश्न होंगे और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और हम लोग इसको डिस्कशन के साथ समझेंगे, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें टफ लेवल के प्रश्न रहे हैं। तो इसमें भी आपको टफ लेवल के प्रश्न दिए गए हैं, पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा कठिन प्रश्न होंगे, लेकिन आप लोग इसको डिस्कशन के साथ समझेंगे। और इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है ये 1 है, और ये जो लगातार जब तक आपका जो है फायरमैन या फिर बिहार उत्पाद का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक हम इसको प्रतिदिन एक एक मॉडल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा। हालाँकि इसका पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा टफ होने वाला है। इसमें आप जो 20 प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, इससे आप लोग स्कोर भी बताते चलिएगा। ठीक, देखिए पहला है हम लोग का कि पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। कौन सा अन्य नाम है? पहला है मेस, दूसरा है स्टार, तीसरा है ट्री और चौथा है रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मेस। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम मेस है। ठीक, राइट आंसर ये कर लीजिएगा। देखिए जो मेस्ट है ये ट्रिपोलॉजी है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए किसी भी कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, टोपोलॉजी किसको कहते हैं? तो किसी भी कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। और मेस ट्रिपोलॉजी जो है प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहे हैं कि जो B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैट मैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, इसमें आपको बताना है कि जो B-19 बम वर्षक विमान का नाम पूछा गया है जिससे फैट मैन को नागासाकी पर गिराया गया था, तो उसका नाम था बोक स्कार। क्या था उसका नाम? बोक स्कार था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो B-29 बम वर्षक विमान का नाम बोक अस्कर था जिससे फैट मैन को नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सर्वप्रथम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था अमेरिका के जापान हिरोशिमा पर, लेकिन फिर जो दूसरा गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और यह अमेरिका के ही नागासाकी पर प्लूटोनियम जो होता है उस 239 को गिराया गया था। ठीक, 239 प्लूटोनियम गिराया गया था। ये 9 अगस्त को गिराया था, एक हुआ था 6 अगस्त पर, इसमें हिरोशिमा में गिराया गया था जापान के शहर पर। ठीक, चलिए अगला जो तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर विद्या चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, डॉक्टर विद्या चंद्र के राय जी का जो जन्म था उसके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, उनका जन्म कब हुआ था? तो विद्या चंद्र राय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पटना के बंकीपुर में हुआ था। ठीक, और यह चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को यह मनाने की जो शुरुआत की गई थी, तो यह 1991 से यह चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। और हम लोग विद्या चंद्र की बात कर रहे हैं तो यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, जो कि 1948 से 1985, ये 2 सालों के लिए। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमिलित कौन सा नहीं है। ठीक, जैसे कि जापान जो है, जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस, न्यूजीलैंड का टोडो, कनाडा का गंजा ईगल और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट, तो कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो सुमिलित नहीं है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु यह डोडो, बिल्कुल गलत है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय यहाँ पर पशु पूछा गया है, तो इसमें न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु सुमिलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी वाला सुमिलित नहीं है। थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो कीवी होता है, डोडो जो है आपका ये मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है, और आइबिस जो है जापान का राष्ट्रीय पशु है, यह सही है। और फिर है यहाँ पर है हम लोग का कि आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु और गंजा ईगल जो है ये कनाडा का है। ठीक, यहाँ पर गंजा ईगल कनाडा सही है और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु जो रॉबिन डेड ब्रेस्ट है ये सही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो न्यूजीलैंड वाला था वो गलत था, और भारत का तो बाघ होता है, आप सभी को पता होगा, और पंछी में मोर होता है। चलिए अगला हम लोग का सुमिलित करना है कि सुमिलित यहाँ पर चर्चित
व्यक्ति हैं और इनका चर्चित पुस्तक है, तो कौन सा इसमें सुमिलित करना है आपको, कि कौन सा इसमें सुमिलित है। तो देखिए यहाँ पर सुमिलित की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर करें कि सुमिलित है ये जो ओपरा विनफ्रे है, ये फोटो पत्रकारिता। दूसरा है होमाई जो ब्यावरा वाला है वो टेलीविज़न, और निकहत कजमी जो है फिल्मी समीक्षक। तो उपयुक्त में से सभी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो निकहत कजामी जो है वह फिल्मी समीक्षा, ये सुमिलित है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, यह जो है निकहत कजमी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली थी, और जो ओपरा है वो अमेरिका की है। ठीक, ये पहला है ओपरा विनफ्रे जो अमेरिका की अभिनेत्री है, अर्थात ये टेलीविज़न के क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो संबंध है टेलीविज़न से, फोटो चित्रकारिता से नहीं, पत्रकारिता से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग का छ जो प्रश्न है, कह रहे कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस पुस्तक के ए बी वाजपेयी हो जाएंगे। राइट आंसर ए बी वाजपेयी होंगे। देखिए न्यू डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी इसका फुल फॉर्म होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसके संस्थापक भी है, और बीजेपी द्वारा जो लिखी गई पहली पुस्तक थी वो राष्ट्रीय एकीकरण थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नेशनल क्रेडिट कोर का आदर्श वाक्य क्या है। तो नेशनल क्रेडिट कोर जो NCC की बात हो रही है, कि NCC का जो है आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। राइट आंसर सी हो जाएगा, एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है NCC का। और हम लोग बात करते हैं NCC का, तो देखिए NCC का जो स्थापना है वह 16 अप्रैल, ठीक आप क्या देखना है, NCC का स्थापना 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जो NCC के भी महानिर्देशक राजीव चोपड़ा हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो तानसेन जो सम्मान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, यह किया गया है मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा तानसेन शुरू किया गया। देखिए तानसेन जो था अकबर के राज दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार भी थे, ये तानसेन जो थे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। और तानसेन का जो मूल नाम था राम तनु पांडे था, क्या था, तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, और ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये अलग बात है, लेकिन ये हम लोग तानसेन वर्ड को समझे कि आपको अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पर ये जो दो हैं जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये सभी जो हैं गोल्फ के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। बढ़ते क्रम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, देखिए बढ़ते क्रम में हो जाएगा पहले आपका सिक्किम होगा। ठीक, यानी कि सिक्किम का जो सबसे छोटा है उस सिक्किम के बाद मिजोरम होगा, मिजोरम के बाद गोवा होगा, और गोवा के बाद नागालैंड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए वाला जो है राइट आंसर होगा। ठीक, सिक्किम जो है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो न्यूनतम और सर्वाधिक कौन सा हो गया, सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश और न्यूनतम में सिक्किम। फिर है भारत, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार होगा, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किस स्टेशन के मध्य चली। देखिए जो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन है ये किस रेलवे स्टेशन के जो है मध्य चली थी, तो यह चली थी हावड़ा और धनबाद। ठीक, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। भारत में पहली जो सुपर फास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी है यह 1 अक्टूबर 2011 को चलाई गई। कब चलाई गई, 1 अक्टूबर 2011 को चलाई गई।
और जो हम लोग की बात करें तो भारत में पहली बार जो रेलवे के परिवहन शुरू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था, जिसमें मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। ठीक, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, और दिल्ली मेट्रो का जो है सेवा शुरू कब किया गया था? तो दिल्ली मेट्रो का सेवा 2002 में शुरू की गई थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि निम्न में कौन सुमेलित है, जैसे कि है पहला है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में, दूसरा है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ये सोलन हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये करनाल, और यहाँ पर सभी सुमिलित। तो देखिए इसमें जो है सभी सुमिलित है, राइट आंसर इसमें आपका सभी कॉरेक्ट है। ठीक, अगला हम लोग का है कि इंद्राणी रहमान का नृत्य, इंद्राणी रहमान किस नृत्य के नृत्यांगना है? ठीक, तो देखिए जो इंद्राणी रहमान है ये ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। राइट आंसर आप लोग ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का है कि ब्रह्मोस, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण जो हुआ था भारत और रूस के द्वारा किया गया था। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका जो भारत और रूस के साथ इसका जो निर्माण किया गया था, इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, इसका जो नाम कैसे पड़ा? तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के जो मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तीव्र गति वाली क्रूज मिसाइल है। ठीक, और इस मिसाइल का जो प्रायोगिक उड़ान है, परीक्षण है, ये 12 जून 2001 को किया गया था। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका परीक्षण कब किया गया था? 2001 आप याद कर सकते हैं, यदि करेक्ट डेट नहीं याद है तो 2001 आप लोग याद करिएगा, हालांकि इसका 12 जून 2001 होगा। ठीक, यह कहाँ से किया गया? तो चांदीपुर से किया गया था। अगला पॉइंट है कि NTPC की स्थापना कब हुई थी? ठीक, NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NTPC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर और कॉरपोरेशन होता है। ठीक, तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत में जो पहला विद्युत जल शक्ति गृह 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। ठीक, अगला देखिए प्रश्न हम लोग का है कि रखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये रखल लीला जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए यह जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक, असम का लोक नृत्य जो असम है, और भी वहाँ असम के नृत्य जैसे कि सात्रिया जो है असम का ही लोक नृत्य है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा है, तो हरियाणा का जो लोक नृत्य होगा वह डफ होगा, धमाल होगा, खोरिया होगा, फाग होगा, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य है। फिर यहाँ से हम लोग का है केरल, तो केरल का मोहिनीअट्टम और जो है कथकली, ये दोनों केरल का नृत्य है। फिर यहाँ पर MP है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश मांच, टपरी, संगमड़िया और दिवाली, ये सभी जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, असम में एक और आता है जो बिहू होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर जो प्रश्न करें कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और इरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो यह सभी जो वेशभूषा है यह आपको असम में जानी जाती है। असम में पुरुषों की जो परंपरागत वेशभूषा है वो सोला या फतुआ और एरी चादर के रूप में जानी जाती है, लेकिन असम की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पोशाक मोखला चादर होता है। महिलाओं के लिए मोखला चादर होता है और ये पुरुषों के लिए फतुआ और सोला होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की जो तकनीकी या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो इस कला को कहा जाता है प्रक्षेपिकी, क्या कहते हैं उसको? प्रक्षेपिकी, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से, प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, तो देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपको लियोन में है। कहाँ पर है? लियोन में है, राइट आंसर ये हो जाएगा, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। और देखिए इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना
1923 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसका जो नाम है वो 1956 में इंटरपोल रखा गया था। इसका जो नामकरण है इंटरपोल शब्द, यह 1956 में रखा गया था, पहले इसका कुछ और नाम था। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इंटरपोल क्या है? तो यह पुलिस संगठन है और यह यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, पेरिस में स्थित है। नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में, या नाटो भी एक होता है तो वो ब्रुसेल्स में, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटरपोल की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से हम लोग का जो 20 नंबर प्रश्न है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर .. पर आधारित है। ठीक, यहाँ पर NFC जो शब्द है आप लोग किसी किसी फ़ोन में भी देखते होंगे, जैसे कि वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, और जो हॉटस्पॉट होता है उसी के जैसा एक होता है NFC। ये भी आपको जो है ये पूछा है कि क्या होता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो या नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, और ये जो यहाँ पर रिक्त स्थान में होगा तो यहाँ पर होगा कि कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर ये आधारित होता है, जो NFC होता है। ठीक, इसकी स्पीड की हम लोग बात करें तो यह 106 KB, ठीक, 106 KB जो है प्रति सेकेंड से लेकर 424 KB तक ये जो स्पीड स्पोर्ट सपोर्ट करता है, और इसका जो रेंज होता है बहुत ही कम होता है, हालांकि ये बहुत पास रखने पर ये काम करता है। 3 से 4 सेंटीमीटर के जो अंदर ही रखेगा तो यह जो है NFC सपोर्ट करता है, और NFC का जो प्रयोग अभी वर्तमान में हो रहा है तो कैमरे में वीडियो और फोटोज को शेयर करने के लिए हो रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम लोगों ने 20 प्रश्न जो कंप्लीट कर लिया, और आशा करते हैं कि इसको हम लोगों ने बहुत ही डीपली समझा होगा। तो मिलते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस 2 में, और इसका जो टाइमिंग है कोई कभी भी इसका वीडियो आ सकता है, सुबह भी आ सकता है, शाम भी आ सकता है। यदि आप लोग कमेंट करिएगा कोई स्पेशल टाइम पर तो भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।